आईपीएल का दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान आज खेलने में आया, जिसमें दोनों टीमों ने बहुत अच्छी फाइट की और काफ़ी क्लोज मैच हुआ। कोलकाता ने सबसे पहले बैटिंग की और 208 रन का बड़ा हदफ दिया, जिसमें फिल सॉल्ट की 50 थी और 54 रन उन्होंने बनाए। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा नुमाया किरदार रहा वो रहा आंद्रे डसल का। आंद्रे डसल ने 25 गेंदों पर 64 रन बनाए, 64 रन, और 7 छक्के लगाए। और आंद्रे डसल की हिटिंग इसी तरह की होती है, चलते तो कम है लेकिन जिस दिन चल जाते हैं उस दिन सारा मामला जो है सफाया करते थे। उनके साथ एक इंडिया के नए बैट्समैन हैं जिनका नाम है रमनदीप सिंह, उन्होंने भी 35 रन बनाए, अच्छी बैटिंग की। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद के जो बॉलर्स हैं उनमें से भुवनेश्वर कुमार को काफ़ी ज़्यादा रन पड़े, कोई 50 तो उन्होंने कर लिए बॉलिंग से। और अगर अच्छी बॉलिंग की बात की जाए तो अच्छी बॉलिंग की नतर अजान ने, जिन्होंने 3 विकेट ली। इंडिया के नए हैं ये प्लेयर और फ्यूचर में आई होप अच्छा कर सकेंगे ये इंडिया के लिए। अगर बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग की तो बैटिंग में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, शुरू के जो बैट्समैन हैं उन्होंने और मिडल ऑर्डर तक थोड़ी स्लो बैटिंग की। लेकिन बात की जाए हेनरिच क्लासिन की, क्लासिन जो कि हिटर के तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर है और स्पिनर्स को जिस तरह से छक्के लगाते हैं वो उनसे अच्छा परफेक्शन से कोई छक्के नहीं लगा सकता, उन्होंने 29 गेंदों पर 63 रन बनाए, 29 पर 63, और 8 छक्के लगाए। यानी आंद्रे डसल ने उस साइड पर बैटिंग की और उन्होंने यहाँ पे आंद्रे डसल बनाए, ये भी 8 छक्के लगाए ये थे और शहबाज अहमद थे, इन्होंने मैच को थोड़ा क्लोज लेके आए थे ये दोनों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच इनके हाथ से निकल गया आखिरी ओवर में जाकर। बॉलिंग में हर्षित राणा ने 3 विकेट ली और आंद्रे डसल ने परफॉर्मेंस दिखाई थी बैटिंग में, उन्होंने बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग कराई और 2 विकेट ली। लेकिन मिचेल स्टार्क जो है आईपीएल के महंगे तरीन प्लेयर, उन्होंने कोई 50 कर ली बॉलिंग में, तो भुवनेश्वर की 50 हुई आज, स्टार्क की भी 50 हुई है बॉलिंग में और काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई है दोनों की। अच्छा मैच देखने में आया, आपको किस तरह लगा और क्या लगता है आगे कौन सी टीम परफॉर्मेंस अच्छी देगी? और आज सनराइजर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह हेनरिच क्लासिन ने बैटिंग की है इनके लिए अच्छी न्यूज़ है।